यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। जानू क्या कह रहे थे आप, मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है? सावित्री छोड़िए, जो आई एम कमिंग फॉर। दर्शकों को अपने बस में करने के लिए बिल्कुल तैयार है भूलभुलैया 3। ऐसा एक्साइटमेंट आपने सोचा नहीं होगा भूलभुलैया 3 को लेकर। सारा कुछ अपडेट आप इस वीडियो पर जानेंगे। बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल और कमाल बचाने आ रहा है दिवाली में भूलभुलैया 3, जहां की सिंघम अगेन एक बड़ी मल्टी स्टारर मूवी आ रही है। लेकिन भूलभुलैया 3 को टक्कर देना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं और उनकी ये फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सिंघम 3 से है। अगर दोनों फिल्म के ट्रेलर की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है भूलभुलैया 3 का ट्रेलर बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी से ही मिल गया है कि सिंघम 3 को छाड़कर भूलभुलैया 3 बहुत आगे जा चुका है और सिर्फ देखना बाकी है। कुछ दिनों की इंतजार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन एक ही बहुत सारे मल्टी स्टार को पछाड़कर बहुत आगे निकलने वाले हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं और 13 ही फिल्म उनकी बस रिलीज हुई है। हर साल में सिर्फ एक फिल्म और हर फिल्म धमाकेदार और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो रही है। सारा कुछ अपडेट आप जानिए ये 13 साल में जो 13 फिल्म रिलीज हुई है। कार्तिक आर्यन का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से अपना कैरियर का शुरुआत किया था, जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसी मूवी से पता चल गया था कि उनका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने प्यार का पंचनामा में एक बेहतर रोल अदा किया था, ये खूब चर्चा में थी और सारे फिल्म के क्रिटिक्स यही कह रहे थे कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म प्यार का पंचनामा औसत रही, लेकिन बाद में उसे खूब चर्चा मिली। बहुत लोगों ने इस मूवी को पसंद किया और रिपीटेड बहुत लोगों ने इस मूवी को, खास करके यंगस्टर जो थे, बार बार इस मूवी को देखने लगे। और कलेक्शन की जब बात की जाएगी प्यार की पंचनामा, जो कि कार्तिक आर्यन की पहली मूवी थी, वो पहले दिन में 92 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। याद रखिए 2011 की बात थी, उसका लाइफ टाइम कारोबार 9 करोड़ रुपये था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसने पहले दिन 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जो लाइफ टाइम कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये था। आप सोचिए 2011 में जहां पूरा फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाया था, वहीं जब 2015 में उसका पार्ट 2 आया तो वो एक ही दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए, और अगर हम पूरा लाइफ टाइम उसका देखें 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया उसने कमाया और फिल्म बॉलीवुड पर सुपर हिट साबित हुआ। प्यार का पंचनामा का पार्ट 2 पर अपार सफलता से पहले कार्तिक को 2 फ्लॉप मूवी का मूवी देखना पड़ा था। ये फिल्म था आकाशवाणी और कांची, 2013 और 2014 में 2 फिल्म जो रिलीज हुआ था कार्तिक आर्यन का, वो दोनों फिल्म फ्लॉप हुआ था। फिर भी जो नाम वो प्यार के पंचनामा पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए थे, वही उनको आगे ले जाने के लिए काफी था। बात तो कार्तिक आर्यन ने कमाल ही कर दिया।
सोनू के टीटू की स्वीटी से 100 करोड़ के क्लॉप में शामिल हो गए कार्तिक आर्यन। 2017 में रिलीज हुई कार्तिक की सुपर हिट फिल्म गेस्ट इन लंदन आई, लेकिन जैसे सोचा गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी और सुपर हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर रहेगी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन 2018 में कार्तिक दर्शकों के बीच एक बार फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री की। फिल्म का नाम था, आपको बताया गया, सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा नजर आई। इसकी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में सनी सिंह भी थे जो कार्तिक के दोस्त होते हैं। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया। ये कार्तिक के कैरियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म साबित हुई। इसका लाइफटाइम कारोबार 108 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का था और फिल्म सुपर हिट हुई। आपने देखा कि तीन फिल्म जो कि लगातार कार्तिक आर्यन ने दी, प्यार का पंचनामा पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर आई 100 करोड़ की बजट में शामिल होने वाली मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी, उससे उनका नाम और आगे बढ़ गया। फिर कार्तिक आर्यन का एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ, जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लुका छुपी, जिसमें एक सेंसेटिव मैटर को उठाया गया था एक दिलचस्प अंदाज में। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया गया जिसे दर्शकों ने पसंद किया और इसका लाइफ टाइम अगर हम कारोबार की बात करें तो टोटल कमाई 94 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा था। और यहीं पर नहीं थमे कार्तिक आर्यन, फिर एक बड़ी मूवी के तरफ उन्होंने पैर दिया और ये मूवी थी पति पत्नी और ओ। इस फिल्म ने 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। फिल्म के नाम से ही साफ है कि इसकी कहानी में पति पत्नी और ओ का झोल दिखाया गया है, जिसमें कई मज़ेदार कॉमेडी सीन भी थे। ये भी हिट रही। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 86 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए रही। इसके बाद फिर एक बड़ी मूवी आई साल 2020 में, लव आजकल। हिट की हैट्रिक लगाने के बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन को एक बार फिर फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा। इस साल उनकी फिल्म लव आजकल सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक और सारा अली खान की जोड़ी दिखी थी। फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा कमाई 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया, लेकिन शानदार ओपनिंग के बाद भी फिल्म ने लगातार कमाई में बहुत पीछे रही और उसका लाइफ टाइम अगर हम कमाई देखें तो सिर्फ 34 करोड़ रुपये ही कलेक्शन किए, जिस वजह से फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर भी यहीं पर कार्तिक आर्यन नहीं रुके, वो आई रूह बाबा बनकर छा गए कार्तिक। साल 2022 में आई कार्तिक आर्यन के लिए किस्मत पलटने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में फिल्म भूल भुलैया आई और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता का इतिहास रच दिया। कोविड काल के बाद सिनेमाघर में जब फिल्म आई तो दर्शकों टूट कर पड़ गए। इस चर्चित फ्रेंचाइजी की पहली किस्त में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। कार्तिक आर्यन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कार्तिक को भरपूर प्यार मिला। पहले दिन फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 185 करोड़ रुपए रहा। तो ये दूसरी मूवी बनी कार्तिक आर्यन की 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो जब से रूह बाबा बने कार्तिक आर्यन और कार्तिक आर्यन जब इस भूलभुलैया के फ्रेंचाइजी में एंट्री की, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया, तो वहीं पर छा गए दर्शकों के बीच और धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर कार्तिक आर्यन ने संभाला निर्माता की कुर्सी। 2023 में कार्तिक आर्यन फिल्म शहजादा को लेकर आए। इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ वो निर्माता की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
इसके बाद कार्तिक आर्यन 2023 में दूसरी फिल्म रही सत्यप्रेम की कथा, जो औसत रही। उसमें 77.55 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो क्या होगा अब साल 2024? इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाया है। कार्तिक के अभिनय और किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरीकों के बाद भी दर्शक फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। अब सारी उम्मीदें भूल भुलैया 3 से बंधी है। साल 2024 में जो पहला मूवी कार्तिक आर्यन लेकर आए, वो दर्शकों को अपने तरफ खींचने पर कामयाबी नहीं हासिल गई। अब सारी उम्मीद कार्तिक आर्यन की साल 2024 को लेकर है, भूल भुलैया 3 को, जो कि ट्रेलर से भी उनको जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है और जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है और उसके पहले कलेक्शन को देखा जाए तो कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बिल्कुल बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो देखना होगा दिवाली पर ये फिल्म क्या धमाका करती है। और मल्टी स्टारर सबसे बड़ी मूवी जो कि सिंघम सीरीज की मूवी है, उसको टक्कर देने वाली है। देखने की बात है वो किस और मूवी जा रही है। ट्रेलर में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है, इस मूवी में दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसी साल चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर लेंगे रूह बाबा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर ले रहे हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन। आज से ठीक 2 साल पहले अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया का हिस्सा बने थे, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। सिनेमाघरों में भूल भुलैया 2 को दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का खुराक जुगाया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। अब एक्टर भूल भुलैया 3 को लेकर आ रहे हैं दिवाली को। बिल्कुल दर्शक इसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। इस बीच निर्देशक अनीस बजमी ने इस मूवी का एक लेटेस्ट पोस्टर भी सामने लाया है, रूह बाबा वर्सेस मंजुलिका। भूल भुलैया 3 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के फास्ट लुक पोस्टर सिनेमाघर की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस बीच भूल भुलैया 3 की एक और लेटेस्ट पोस्टर ने इस काम को दोगुना कर दिया है। दिवाली के पावन पर्व पर फैंस को सिनेमाघर में भूल भुलैया 3 को देखने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेगी। कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। इस मूवी की ट्रेलर में वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को हिट बनाते हैं। इस फिल्म का थिएटर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना कार्तिक के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 में एंट्री बहुत धमाकेदार रही थी। पहली भूल भुलैया फिल्म में हीरो अक्षय कुमार की जगह दूसरी फिल्म में आए कार्तिक पर काफी तगड़ा प्रेशर था, मगर लॉकडाउन के जस्ट बात वाले समय में कार्तिक ने उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी डिलीवर की थी। भूल भुलैया 2 के सुपर हिट होते ही जनता की नजरें इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर टिक गई थी। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन के मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जब रिलीज कर दिया गया तो इस बार फिल्म में रूह बाबा कार्तिक आर्यन को एक नहीं 2 मंजुलिका से मुकाबला करना होगा। 3 मिनट 50 सेकेंड की इस ट्रेलर में हॉरर कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला है। इसमें कार्तिक के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विन कोलसेकर समेत कई बड़े बड़े और दिग्गज सितारे नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद
दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि निर्देशक अनीस बज्मी ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म में कई ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। साथ ही ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुला के बीच होने वाली भिड़ंत भी दिखाई गई है। ट्रेलर के आखिर में विद्या बालन और माधुरी एक साथ दिखाई देते हैं, जो कार्तिक आर्यन से बोलती हैं, यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से असली मंजुली का कौन है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट मिल रही है। एक दर्शक ने ऐसे लिखा, माधुरी और विद्या एक ही फ्रेम में यानी दिवाली में धमाका होना पक्का। दूसरे यूजर ने लिखा, जबरदस्त ट्रेलर है, इस दिवाली सभी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तीसरे यूजर ने लिखा, स्त्री 2 से कई गुना बेहतर लग रहा है, तो बाकी देखना बाकी है दिवाली के दिन कैसा धमाका होगा। तो अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 दीपावली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन को भी रिलीज करना है, जिसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मूवी का ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर तो बनना तय है। जैसे आपको हमने बताया, भूल भुलैया 3 एक ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बज्मी ने किया है, जिसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये भूल भुलैया 2007 और भूल भुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में सेट है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई, कलकत्ता, ओरछा और लेह में हुई, जिसमें मनु आनंद ने छायांकन किया है। भूल भुलैया 3 दिवाली उत्सव के साथ 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रूह बाबा कोलकाता की एक प्रतिबंधित हवेली में प्रवेश करता है और 2 प्रतिशोधी आत्माओं से भिड़े जाता है, जो खुद को मंजुलिका होने का दावा करते हैं। तो अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का। सिंघम अगेन को देखने जाएंगे दर्शक या भूल भुलैया 3 को जाएंगे देखने? देखने वाली बात होगी। कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसके आगे निकलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दिवाली के दिन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये स्पष्ट हो जाएगा पहले दिन किस तरीके से किस और जा रहे हैं दर्शक, कार्तिक आर्यन या रोहित शेट्टी। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। जानू, क्या कह रहे थे आप? मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है। सावित्री, छोड़िए। जो, आई एम कमिंग फॉर यू। दर्शकों को अपने बस में करने के लिए बिल्कुल तैयार है भूल भुलैया 3। ऐसा एक्साइटमेंट आपने सोचा नहीं होगा भूल भुलैया 3 को लेकर। सारा कुछ अपडेट आप इस वीडियो पर जानेंगे। बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल और कमाल बचाने आ रहा है दिवाली में भूल भुलैया 3, जहां की सिंघम अगेन एक बड़ी मल्टी स्टारर मूवी आ रही है, लेकिन भूल भुलैया 3 को टक्कर देना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं
और उनकी ये फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सिंघम 3 से है। अगर दोनों फिल्म के ट्रेलर की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है भूलभुलैया 3 का ट्रेलर बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी से ही मिल गया है कि सिंघम 3 को छाड़कर भूलभुलैया 3 बहुत आगे जा चुका है और सिर्फ देखना बाकी है। कुछ दिनों की इंतजार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन एक ही बहुत सारे मल्टी स्टार को पछाड़कर बहुत आगे निकलने वाले हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं और 13 ही फिल्म उनकी बस रिलीज हुई है। हर साल में सिर्फ एक फिल्म और हर फिल्म धमाकेदार और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो रही है। सारा कुछ अपडेट आप जानिए, 13 साल में जो 13 फिल्म रिलीज हुई है, कार्तिक आर्यन का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से अपना कैरियर का शुरुआत किया था, जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसी मूवी से पता चल गया था कि उनका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने प्यार का पंचनामा में एक बेहतर रोल अदा किया था, ये खूब चर्चा में थी और सारे फिल्म के क्रिटिक्स यही कह रहे थे कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म प्यार का पंचनामा औसत रही, लेकिन बाद में उसे खूब चर्चा मिली। बहुत लोगों ने इस मूवी को पसंद किया और रिपीटेड बहुत लोगों ने इस मूवी को, खास करके यंगस्टर जो थे, बार बार इस मूवी को देखने लगे। और कलेक्शन की जब बात की जाएगी प्यार की पंचनामा, जो कि कार्तिक आर्यन की पहली मूवी थी, वो पहले दिन में 92 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। याद रखिए 2011 की बात थी, उसका लाइफ टाइम कारोबार 9 करोड़ रुपये था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसने पहले दिन 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जो लाइफ टाइम कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये था। आप सोचिए 2011 में जहां पूरा फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाया था, वहीं जब 2015 में उसका पार्ट 2 आया तो वो एक ही दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए, और अगर हम पूरा लाइफ टाइम उसका देखें 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया उसने कमाया और फिल्म बॉलीवुड पर सुपर हिट साबित हुआ। प्यार का पंचनामा का पार्ट 2 पर अपार सफलता से पहले कार्तिक को 2 फ्लॉप मूवी का मूवी देखना पड़ा था। ये फिल्म था आकाशवाणी और कांची, 2013 और 2014 में 2 फिल्म जो रिलीज हुआ था कार्तिक आर्यन का, वो दोनों फिल्म फ्लॉप हुआ था। फिर भी जो नाम वो प्यार के पंचनामा पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए थे, वही उनको आगे ले जाने के लिए काफी था। बात तो कार्तिक आर्यन ने कमाल ही कर दिया, सोनू के टीटू की स्वीटी से 100 करोड़ के क्लॉप में शामिल हो गए कार्तिक आर्यन। 2017 में रिलीज हुई कार्तिक की सुपर हिट फिल्म गेस्ट इन लंदन आई, लेकिन जैसे सोचा गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी और सुपर हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर रहेगी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन 2018 में कार्तिक दर्शकों के बीच एक बार फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री की। फिल्म का नाम था, आपको बताया गया, सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा नजर आई। इसकी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में सनी सिंह भी थे, जो कार्तिक के दोस्त होते हैं। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। ये कार्तिक के कैरियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म साबित हुई। इसका लाइफ टाइम कारोबार 108 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का था और फिल्म सुपर हिट हुई। आपने देखा कि 3 फिल्म जो कि लगातार कार्तिक आर्यन ने
दी प्यार का पंचनामा पार्ट वन, पार्ट टू और फिर आई 100 करोड़ की बजट में शामिल होने वाली मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी, उससे उनका नाम और आगे बढ़ गया। फिर कार्तिक आर्यन का एक और एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ, जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लुका छुपी, जिसमें एक सेंसेटिव मैटर को उठाया गया था एक दिलचस्प अंदाज में। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया गया जिसे दर्शकों ने पसंद किया और इसका लाइफ टाइम अगर हम कारोबार की बात करें तो टोटल कमाई 94 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा था। और यहीं पर नहीं थमे कार्तिक आर्यन, फिर एक बड़ी मूवी के तरफ उन्होंने पैर दिया और ये मूवी थी पति पत्नी और ओ। इस फिल्म ने 2019 में रिलीज हुई, इस फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। फिल्म के नाम से ही साफ है कि इसकी कहानी में पति पत्नी और ओ का झोल दिखाया गया है, जिसमें कई मज़ेदार कॉमेडी सीन भी थे। ये भी हिट रही, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 86 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए रही। इसके बाद फिर एक बड़ी मूवी आई साल 2020 में, लव आजकल। हिट की हैट्रिक लगाने के बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन को एक बार फिर फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा। इस साल उनकी फिल्म लव आजकल सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी, इस फिल्म में कार्तिक और सारा अली खान की जोड़ी दिखी थी। फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा कमाई 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया, लेकिन शानदार ओपनिंग के बाद भी फिल्म ने लगातार कमाई में बहुत पीछे रही और उसका लाइफ टाइम अगर हम कमाई देखें तो सिर्फ 34 करोड़ रुपये ही कलेक्शन किए, जिस वजह से फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर भी यहीं पर कार्तिक आर्यन नहीं रुके, वो आई रूह बाबा बनकर छा गए कार्तिक। साल 2022 में आई कार्तिक आर्यन के लिए किस्मत पलटने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में फिल्म भूल भुलैया आई और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता का इतिहास रच दिया। कोविड काल के बाद सिनेमाघर में जब फिल्म आई तो दर्शकों टूट कर पड़ गए। इस चर्चित फ्रेंचाइजी की पहली किस्त में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। कार्तिक आर्यन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कार्तिक को भरपूर प्यार मिला। पहले दिन फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 185 करोड़ रुपए रहा। तो ये दूसरी मूवी बनी कार्तिक आर्यन की 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो जब से रूह बाबा बने कार्तिक आर्यन, और कार्तिक आर्यन जब इस भूलभुलैया के फ्रेंचाइजी में एंट्री की, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया, तो वहीं पर छा गए दर्शकों के बीच और धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर कार्तिक आर्यन ने संभाला निर्माता की कुर्सी। 2023 में कार्तिक आर्यन फिल्म शहजादा को लेकर आए। इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ वो निर्माता की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कार्तिक आर्यन 2023 में दूसरी फिल्म रही सत्यप्रेम की कथा, जो औसत रही। उसमें 77.55 करोड़ रुपये का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो क्या होगा अब साल 2024? इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाया है। कार्तिक के अभिनय और किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरीकों के बाद भी दर्शक फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। अब सारी उम्मीदें भूल भुलैया 3 से बंधी है। साल 2024 में जो पहला मूवी कार्तिक आर्यन लेकर आए, वो दर्शकों को अपने तरफ खींचने पर कामयाबी नहीं हासिल गई। अब सारी उम्मीद कार्तिक आर्यन की साल 2024 को लेकर है, भूल भुलैया 3 को, जो कि ट्रेलर से भी उनको जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है और जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है और उसके पहले कलेक्शन को देखा जाए तो कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बिल्कुल बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर होने वाली है।
तो देखना होगा दिवाली पर ये फिल्म क्या धमाका करती है। और मल्टी स्टारर सबसे बड़ी मूवी जो कि सिंघम सीरीज की मूवी है उसको टक्कर देने वाली है। देखने की बात है वो किस और मूवी जा रही है। ट्रेलर में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है इस मूवी में दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसी साल चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर लेंगे रूह बाबा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर ले रहे हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन। आज से ठीक 2 साल पहले अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया का हिस्सा बने थे, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। सिनेमाघरों में भूल भुलैया 2 को दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का खुराक जुगाया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। अब एक्टर भूल भुलैया 3 को लेकर आ रहे हैं दिवाली को। बिल्कुल दर्शक इसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। इस बीच निर्देशक अनीस बजमी ने इस मूवी का एक लेटेस्ट पोस्टर भी सामने लाया है, रूह बाबा वर्सेस मंजुलिका। भूल भुलैया 3 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के फास्ट लुक पोस्टर सिनेमाघर की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस बीच भूल भुलैया 3 की एक और लेटेस्ट पोस्टर ने इस काम को दोगुना कर दिया है। दिवाली के पावन पर्व पर फैंस को सिनेमाघर में भूल भुलैया 3 को देखने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेगी। कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। इस मूवी की ट्रेलर में वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को हिट बनाते हैं। इस फिल्म का थिएटर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना कार्तिक के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 में एंट्री बहुत धमाकेदार रही थी। पहली भूल भुलैया फिल्म में हीरो अक्षय कुमार की जगह दूसरी फिल्म में आए कार्तिक पर काफी तगड़ा प्रेशर था, मगर लॉकडाउन के जस्ट बात वाले समय में कार्तिक ने उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी डिलीवर की थी। भूल भुलैया 2 के सुपर हिट होते ही जनता की नजरें इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर टिक गई थी। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन के मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जब रिलीज कर दिया गया तो इस बार फिल्म में रूह बाबा कार्तिक आर्यन को एक नहीं 2 मंजुलिका से मुकाबला करना होगा। 3 मिनट 50 सेकेंड की इस ट्रेलर में हॉरर कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला है। इसमें कार्तिक के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विन कोलसेकर समेत कई बड़े बड़े और दिग्गज सितारे नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि निर्देशक अनीस बजमी ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म में कई ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। साथ ही ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुला के बीच होने वाली भिड़ंत भी दिखाई गई है। ट्रेलर के आखिर में विद्या बालन और माधुरी एक साथ दिखाई देते हैं जो कार्तिक आर्यन से बोलती हैं, यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट मिल रही है। एक दर्शक ने ऐसे लिखा, माधुरी और विद्या एक ही फ्रेम में यानी दिवाली में धमाका होना पक्का। दूसरे यूजर ने लिखा, जबरदस्त ट्रेलर है, इस दिवाली सभी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तीसरे यूजर ने लिखा, स्त्री 2 से कई गुना बेहतर लग रहा है। तो बाकी देखना बाकी है दिवाली के दिन कैसा धमाका होगा। तो अनीस बजमी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 दीपावली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन को भी रिलीज करना है।
जिसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मूवी का ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर तो बनना तय है। जैसे आपको हमने बताया, भूलभुलैया 3 एक ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बज्मी ने किया है, जिसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये भूलभुलैया 2007 और भूलभुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में सेट है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई, कलकत्ता, ओरछा और लेह में हुई, जिसमें मनु आनंद ने छायांकन किया है। भूलभुलैया 3 दिवाली उत्सव के साथ 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रूबाबा कोलकाता की एक प्रतिबंधित हवेली में प्रवेश करता है और दो प्रतिशोधी आत्माओं से भिड़े जाता है, जो खुद को मंजुलिका होने का दावा करते हैं। तो अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का। सिंघम अगेन को देखने जाएंगे दर्शक या भूलभुलैया 3 को जाएंगे देखने? देखने वाली बात होगी। कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसके आगे निकलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दिवाली के दिन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये स्पष्ट हो जाएगा पहले दिन किस तरीके से किस और जा रहे हैं दर्शक, कार्तिक आर्यन या रोहित शेट्टी। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। जानू, क्या कह रहे थे आप? मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है। सावित्री, छोड़िए। दर्शकों को अपने बस में करने के लिए बिल्कुल तैयार है भूलभुलैया 3। ऐसा एक्साइटमेंट आपने सोचा नहीं होगा भूलभुलैया 3 को लेकर। सारा कुछ अपडेट आप इस वीडियो पर जानेंगे। बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल और कमाल बचाने आ रहा है दिवाली में भूलभुलैया 3, जहां की सिंघम अगेन एक बड़ी मल्टी स्टारर मूवी आ रही है, लेकिन भूलभुलैया 3 को टक्कर देना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं और उनकी ये फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सिंघम 3 से है। अगर दोनों फिल्म के ट्रेलर की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है भूलभुलैया 3 का ट्रेलर बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी से ही मिल गया है कि सिंघम 3 को पछाड़कर भूलभुलैया 3 बहुत आगे जा चुका है और सिर्फ देखना बाकी है। कुछ दिनों की इंतजार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन एक ही बहुत सारे मल्टी स्टार को पछाड़ कर बहुत आगे निकलने वाले हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं और 13 ही फिल्म उनकी बस रिलीज हुई है। हर साल में सिर्फ एक फिल्म और हर फिल्म धमाकेदार और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो रही है। सारा कुछ अपडेट आप जानिए 13 साल में जो 13 फिल्म रिलीज हुई है। कार्तिक आर्यन का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से अपना कैरियर का शुरुआत किया था।
जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसी मूवी से पता चल गया था कि उनका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने प्यार का पंचनामा में एक बेहतर रोल अदा किया था, ये खूब चर्चा में थी और सारे फिल्म के क्रिटिक्स यही कह रहे थे कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म प्यार का पंचनामा औसत रही, लेकिन बाद में उसे खूब चर्चा मिली। बहुत लोगों ने इस मूवी को पसंद किया और रिपीटेड बहुत लोगों ने इस मूवी को, खास करके यंगस्टर जो थे, बार बार इस मूवी को देखने लगे। और कलेक्शन की जब बात की जाएगी, प्यार की पंचनामा जो कि कार्तिक आर्यन की पहली मूवी थी, वो पहले दिन में 92 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। याद रखिए 2011 की बात थी, उसका लाइफ टाइम कारोबार 9 करोड़ रुपए था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसने पहले दिन 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जो लाइफ टाइम कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये था। आप सोचिए 2011 में जहां पूरा फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाया था, वहीं जब 2015 में उसका पार्ट 2 आया तो वो एक ही दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपये, और अगर हम पूरा लाइफ टाइम उसका देखें 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया उसने कमाया और फिल्म बॉलीवुड पर सुपर हिट साबित हुआ। प्यार का पंचनामा का पार्ट 2 पर अपार सफलता से पहले कार्तिक को 2 फ्लॉप मूवी का मूवी देखना पड़ा था। ये फिल्म था आकाशवाणी और कांची, 2013 और 2014 में 2 फिल्म जो रिलीज हुआ था कार्तिक आर्यन का, वो दोनों फिल्म फ्लॉप हुआ था। फिर भी जो नाम वो प्यार के पंचनामा पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए थे, वही उनको आगे ले जाने के लिए काफी था। बात तो कार्तिक आर्यन ने कमाल ही कर दिया। सोनू के टीटू की स्वीटी से 100 करोड़ के क्लॉप में शामिल हो गए कार्तिक आर्यन। 2017 में रिलीज हुई कार्तिक की सुपर हिट फिल्म गेस्ट इन लंदन आई, लेकिन जैसे सोचा गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी और सुपर हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर रहेगी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन 2018 में कार्तिक दर्शकों के बीच एक बार फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री की। फिल्म का नाम था, आपको बताया गया, सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा नजर आई। इसकी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में सनी सिंह भी थे, जो कार्तिक के दोस्त होते हैं। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। ये कार्तिक के कैरियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म साबित हुई। इसका लाइफ टाइम कारोबार 108 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का था और फिल्म सुपर हिट हुई। आपने देखा कि 3 फिल्म जो कि लगातार कार्तिक आर्यन ने दी, प्यार का पंचनामा पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर आई 100 करोड़ की बजट में शामिल होने वाली मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी, उससे उनका नाम और आगे बढ़ गया। फिर कार्तिक आर्यन का एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ, जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लुका छुपी, जिसमें एक सेंसिटिव मैटर को उठाया गया था एक दिलचस्प अंदाज में। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया गया, जिसे दर्शकों ने पसंद किया और इसका लाइफ टाइम अगर हम कारोबार की बात करें तो टोटल कमाई 94 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा था। और यहीं पर नहीं थमे कार्तिक आर्यन, फिर एक बड़ी मूवी के तरफ उन्होंने पैर दिया और ये मूवी थी पति पत्नी और ओ। इस फिल्म ने 2019 में रिलीज हुई, इस फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। फिल्म के नाम से ही साफ है कि इसकी कहानी में पति पत्नी और ओ का झोल दिखाया गया है, जिसमें कई मज़ेदार कॉमेडी सीन भी थे। ये भी हिट रही। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 86 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए रही। इसके बाद फिर एक बड़ी मूवी आई साल 2020 में, लव आजकल। हिट की हैट्रिक लगाने के बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन को एक बार फिर फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा। इस साल उनकी फिल्म लव आजकल सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी,
इस फिल्म में कार्तिक और सारा अली खान की जोड़ी दिखी थी। फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा कमाई 12 करोड़ रुपए से ज्यादा किया, लेकिन शानदार ओपनिंग के बाद भी फिल्म ने लगातार कमाई में बहुत पीछे रही और उसका लाइफ टाइम अगर हम कमाई देखें तो सिर्फ 34 करोड़ रुपए ही कलेक्शन किए, जिस वजह से फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर भी यहीं पर कार्तिक आर्यन नहीं रुके, वो आई रूह बाबा बनकर छा गए कार्तिक। साल 2022 में आई कार्तिक आर्यन के लिए किस्मत पलटने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में फिल्म भूल भुलैया आई और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता का इतिहास रच दिया। कोविड काल के बाद सिनेमाघर में जब फिल्म आई तो दर्शकों टूट कर पड़ गए। इस चर्चित फ्रेंचाइजी की पहली किस्त में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। कार्तिक आर्यन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कार्तिक को भरपूर प्यार मिला। पहले दिन फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 185 करोड़ रुपए रहा। तो ये दूसरी मूवी बनी कार्तिक आर्यन की 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो जब से रूह बाबा बने कार्तिक आर्यन और कार्तिक आर्यन जब इस भूलभुलैया के फ्रेंचाइजी में एंट्री की, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया, तो वहीं पर छा गए दर्शकों के बीच और धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर कार्तिक आर्यन ने संभाला निर्माता की कुर्सी। 2023 में कार्तिक आर्यन फिल्म शहजादा को लेकर आए। इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ वो निर्माता की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कार्तिक आर्यन 2023 में दूसरी फिल्म रही सत्यप्रेम की कथा, जो औसत रही। उसमें 77.55 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो क्या होगा अब साल 2024? इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाया है। कार्तिक के अभिनय और किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरीकों के बाद भी दर्शक फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। अब सारी उम्मीदें भूल भुलैया 3 से बंधी है। साल 2024 में जो पहला मूवी कार्तिक आर्यन लेकर आए, वो दर्शकों को अपने तरफ खींचने पर कामयाबी नहीं हासिल गई। अब सारी उम्मीद कार्तिक आर्यन की साल 2024 को लेकर है, भूल भुलैया 3 को, जो कि ट्रेलर से भी उनको जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है और जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है और उसके पहले कलेक्शन को देखा जाए तो कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बिल्कुल बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो देखना होगा दिवाली पर ये फिल्म क्या धमाका करती है। और मल्टी स्टारर सबसे बड़ी मूवी जो कि सिंघम सीरीज की मूवी है, उसको टक्कर देने वाली है। देखने की बात है वो किस और मूवी जा रही है। ट्रेलर में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है, इस मूवी में दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसी साल चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर लेंगे रूह बाबा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर ले रहे हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन। आज से ठीक 2 साल पहले अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया का हिस्सा बने थे। अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। सिनेमाघरों में भूलभुलैया 2 को दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का खुराक जुगाया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। अब एक्टर भूलभुलैया 3 को लेकर आ रहे हैं दिवाली को। बिल्कुल दर्शक इसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। इस बीच निर्देशक अनीस बजमी ने इस मूवी का एक लेटेस्ट पोस्टर भी सामने लाया है, रूह बाबा वर्सेस मंजुलिका। भूलभुलैया 3 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इस फिल्म के फास्ट लुक पोस्टर सिनेमाघरों की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस बीच भूल भुलैया 3 की एक और लेटेस्ट पोस्टर ने इस काम को दोगुना कर दिया है। दिवाली के पावन पर्व पर फैंस को सिनेमाघर में भूल भुलैया 3 को देखने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेगी। कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। इस मूवी की ट्रेलर में वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को हिट बनाते हैं। इस फिल्म का थिएटर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना कार्तिक के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 में एंट्री बहुत धमाकेदार रही थी। पहली भूल भुलैया फिल्म में हीरो अक्षय कुमार की जगह दूसरी फिल्म में आए कार्तिक पर काफी तगड़ा प्रेशर था, मगर लॉकडाउन के जस्ट बात वाले समय में कार्तिक ने उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी डिलीवर की थी। भूल भुलैया 2 के सुपर हिट होते ही जनता की नजरें इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर टिक गई थी। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन के मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जब रिलीज कर दिया गया तो इस बार फिल्म में रूह बाबा कार्तिक आर्यन को एक नहीं 2 मंजुलिका से मुकाबला करना होगा। 3 मिनट 50 सेकेंड की इस ट्रेलर में हॉरर कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला है। इसमें कार्तिक के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विन कोलसेकर समेत कई बड़े बड़े और दिग्गज सितारे नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि निर्देशक अनीस बजमी ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म में कई ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। साथ ही ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुला के बीच होने वाली भिड़ंत भी दिखाई गई है। ट्रेलर के आखिर में विद्या बालन और माधुरी एक साथ दिखाई देते हैं जो कार्तिक आर्यन से बोलती हैं, यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट मिल रही है। एक दर्शक ने ऐसे लिखा, माधुरी और विद्या एक ही फिल्म में यानी दिवाली में धमाका होना पक्का। दूसरे यूजर ने लिखा, जबरदस्त ट्रेलर है, इस दिवाली सभी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तीसरे यूजर ने लिखा, स्त्री 2 से कई गुना बेहतर लग रहा है, तो बाकी देखना बाकी है दिवाली के दिन कैसा धमाका होगा। तो अनीस बजमी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 दीपावली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन को भी रिलीज करना है, जिसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मूवी का ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर तो बनना तय है। जैसे आपको हमने बताया, भूल भुलैया 3 एक ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बजमी ने किया है, जिसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये भूल भुलैया 2007 और भूल भुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में सेट है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफ मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई, कलकत्ता, ओरछा और लेह में हुई, जिसमें मनु आनंद ने छायांकन किया है। भूल भुलैया 3 दिवाली उत्सव के साथ 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रूह बाबा कोलकाता की एक प्रतिबंधित हवेली में प्रवेश करता है और 2 प्रतिशोधी आत्माओं से भिड़े जाता है।
जो खुद को मंजुलिका होने का दावा करते हैं। तो अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का। सिंघम अगेन को देखने जाएंगे दर्शक या भूलभुलैया 3 को जाएंगे देखने? देखने वाली बात होगी। कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसके आगे निकलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दिवाली के दिन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये स्पष्ट हो जाएगा पहले दिन किस तरीके से किस ओर जा रहे हैं दर्शक, कार्तिक आर्यन या रोहित शेट्टी। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। जानू क्या कह रहे थे आप, मेरे संगे मरमत की मूर्ति बनानी है? सावित्री छोड़िए, दर्शकों को अपने बस में करने के लिए बिल्कुल तैयार है भूलभुलैया 3। ऐसा एक्साइटमेंट आपने सोचा नहीं होगा भूलभुलैया 3 को लेकर। सारा कुछ अपडेट आप इस वीडियो पर जानेंगे। बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल और कमाल बचाने आ रहा है दिवाली में भूलभुलैया 3, जहां की सिंघम अगेन एक बड़ी मल्टी स्टारर मूवी आ रही है, लेकिन भूलभुलैया 3 को टक्कर देना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं और उनकी ये फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सिंघम 3 से है। अगर दोनों फिल्म के ट्रेलर की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है भूलभुलैया 3 का ट्रेलर बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी से ही मिल गया है कि सिंघम 3 को पछाड़कर भूलभुलैया 3 बहुत आगे जा चुका है और सिर्फ देखना बाकी है। कुछ दिनों की इंतजार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन एक ही बहुत सारे मल्टी स्टार को पछाड़ कर बहुत आगे निकलने वाले हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं और 13 ही फिल्म उनकी बस रिलीज हुई है। हर साल में सिर्फ एक फिल्म और हर फिल्म धमाकेदार और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो रही है। सारा कुछ अपडेट आप जानिए, 13 साल में जो 13 फिल्म रिलीज हुई है, कार्तिक आर्यन का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से अपना कैरियर का शुरुआत किया था, जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसी मूवी से पता चल गया था कि उनका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने प्यार का पंचनामा में एक बेहतर रोल अदा किया था, ये खूब चर्चा में थी और सारे फिल्म के क्रिटिक्स यही कह रहे थे कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म प्यार का पंचनामा औसत रही, लेकिन बाद में उसे खूब चर्चा मिली। बहुत लोगों ने इस मूवी को पसंद किया और रिपीटेड बहुत लोगों ने इस मूवी को, खास करके यंगस्टर जो थे, बार बार इस मूवी को देखने लगे। और कलेक्शन की जब बात की जाएगी, प्यार की पंचनामा जो कि कार्तिक आर्यन की पहली मूवी थी, वो पहले दिन में 92 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। याद रखिए 2011 की बात थी, उसका लाइफ टाइम कारोबार 9 करोड़ रुपए था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसने पहले दिन 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जो लाइफ टाइम कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये था। आप सोचिए 2011 में जहां पूरा फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाया था, वहीं जब 2015 में उसका पार्ट 2 आया तो वो एक ही दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपये, और अगर हम पूरा लाइफ टाइम उसका देखें 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया उसने कमाया।
और फिल्म बॉलीवुड पर सुपर हिट साबित हुआ। प्यार प्यार का पंचनामा का पार्ट टू पर अपार सफलता से पहले कार्तिक को दो फ्लॉप मूवी का मूवी देखना पड़ा था। ये फिल्म था आकाशवाणी और कांची। 2013 और 2014 में दो फिल्म जो रिलीज हुआ था कार्तिक आर्यन का, वो दोनों फिल्म फ्लॉप हुआ था। फिर भी जो नाम वो प्यार के पंचनामा पार्ट वन और पार्ट टू में किए थे, वही उनको आगे ले जाने के लिए काफी था। बात तो कार्तिक आर्यन ने कमाल ही कर दिया। सोनू के टीटू की स्वीटी से 100 करोड़ के क्लॉप में शामिल हो गए कार्तिक आर्यन। 2017 में रिलीज हुई कार्तिक की सुपर हिट फिल्म गेस्ट इन लंदन आई, लेकिन जैसे सोचा गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी और सुपर हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर रहेगी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन 2018 में कार्तिक दर्शकों के बीच एक बार फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री की। फिल्म का नाम था, आपको बताया गया, सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा नजर आई। इसकी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में सनी सिंह भी थे जो कार्तिक के दोस्त होते हैं। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। ये कार्तिक के कैरियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म साबित हुई। इसका लाइफ टाइम कारोबार 108 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का था और फिल्म सुपर हिट हुई। आपने देखा कि तीन फिल्म जो कि लगातार कार्तिक आर्यन ने दी, प्यार का पंचनामा पार्ट वन, पार्ट टू और फिर आई 100 करोड़ की बजट में शामिल होने वाली मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी, उससे उनका नाम और आगे बढ़ गया। फिर कार्तिक आर्यन का एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ, जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लुका छुपी, जिसमें एक सेंसिटिव मैटर को उठाया गया था एक दिलचस्प अंदाज में। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया गया, जिसे दर्शकों ने पसंद किया और इसका लाइफ टाइम अगर हम कारोबार की बात करें तो टोटल कमाई 94 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा था। और यहीं पर नहीं थमे कार्तिक आर्यन, फिर एक बड़ी मूवी के तरफ उन्होंने पैर दिया और ये मूवी थी पति पत्नी और ओ। इस फिल्म ने 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। फिल्म के नाम से ही साफ है कि इसकी कहानी में पति पत्नी और ओ का झोल दिखाया गया है, जिसमें कई मजेदार कॉमेडी सीन भी थे। ये भी हिट रही। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 86 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए रही। इसके बाद फिर एक बड़ी मूवी आई साल 2020 में, लव आजकल। हिट की हैट्रिक लगाने के बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन को एक बार फिर फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा। इस साल उनकी फिल्म लव आजकल सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक और सारा अली खान की जोड़ी दिखी थी। फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा कमाई 12 करोड़ रुपए से ज्यादा किया, लेकिन शानदार ओपनिंग के बाद भी फिल्म ने लगातार कमाई में बहुत पीछे रही और उसका लाइफ टाइम अगर हम कमाई देखें तो सिर्फ 34 करोड़ रुपये ही कलेक्शन किए, जिस वजह से फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर भी यहीं पर कार्तिक आर्यन नहीं रुके। वो आई रूह बाबा बनकर छा गए आर्तिक कार्तिक। साल 2022 में आई कार्तिक आर्यन के लिए किस्मत पलटने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में फिल्म भूल भुलैया आई और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता का इतिहास रच दिया। कोविड काल के बाद सिनेमाघर में जब फिल्म आई तो दर्शकों टूट कर पड़ गए। इस चर्चित फ्रांचाइजी की पहली किस्त में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। कार्तिक आर्यन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कार्तिक को भरपूर प्यार मिला। पहले दिन फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 185 करोड़ रुपए रहा। तो ये दूसरी मूवी बनी कार्तिक आर्यन की 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर।
तो जब से रूह बाबा बने कार्तिक आर्यन और कार्तिक आर्यन जब इस भुलभुलैया के फ्रेंचाइजी में एंट्री की, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया, तो वहीं पर छा गए दर्शकों के बीच और धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर कार्तिक आर्यन ने संभाला निर्माता की कुर्सी। 2023 में कार्तिक आर्यन फिल्म सहजादा को लेकर आए। इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ वो निर्माता की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कार्तिक आर्यन 2023 में दूसरी फिल्म रही सत्यप्रेम की कथा, जो औसत रही। उसमें 77.55 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो क्या होगा अब साल 2024? इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाया है। कार्तिक के अभिनय और किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरीकों के बाद भी दर्शक फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। अब सारी उम्मीदें भूलभुलैया 3 से बंधी है। साल 2024 में जो पहला मूवी कार्तिक आर्यन लेकर आए, वो दर्शकों को अपने तरफ खींचने पर कामयाबी नहीं हासिल गई। अब सारी उम्मीद कार्तिक आर्यन की साल 2024 को लेकर है, भूलभुलैया 3 को, जो कि ट्रेलर से भी उनको जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है और जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है और उसके पहले कलेक्शन को देखा जाए, तो कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बिल्कुल बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो देखना होगा दिवाली पर ये फिल्म क्या धमाका करती है। और मल्टी स्टारर सबसे बड़ी मूवी जो कि सिंघम सीरीज की मूवी है, उसको टक्कर देने वाली है। देखने की बात है वो किस और मूवी जा रही है। ट्रेलर में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है, इस मूवी में दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसी साल चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर लेंगे रूह बाबा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर ले रहे हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन। आज से ठीक 2 साल पहले अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया का हिस्सा बने थे, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। सिनेमाघरों में भूलभुलैया 2 को दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का खुराक जुगाया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। अब एक्टर भूलभुलैया 3 को लेकर आ रहे हैं दिवाली को। बिल्कुल दर्शक इसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। इस बीच निर्देशक अनीस बजमी ने इस मूवी का एक लेटेस्ट पोस्टर भी सामने लाया है, रूह बाबा वर्सेस मंजुलिका। भूलभुलैया 3 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के फास्ट लुक पोस्टर सिनेमाघरों की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस बीच भूलभुलैया 3 की एक और लेटेस्ट पोस्टर ने इस काम को दोगुना कर दिया है। दिवाली के पावन पर्व पर फैंस को सिनेमाघर में भूलभुलैया 3 को देखने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेगी। कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। इस मूवी की ट्रेलर में वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को हिट बनाते हैं। इस फिल्म का थिएटर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना कार्तिक के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 में एंट्री बहुत धमाकेदार रही थी। पहली भूलभुलैया फिल्म में हीरो अक्षय कुमार की जगह दूसरी फिल्म में आए कार्तिक पर काफी तगड़ा प्रेशर था, मगर लॉकडाउन के जस्ट बात वाले समय में कार्तिक ने उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी डिलीवर की थी। भूलभुलैया 2 के सुपर हिट होते ही जनता की नजरें इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर टिक गई थी। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन के मोस्ट अवेटेड फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जब रिलीज कर दिया गया, तो इस बार फिल्म में
रूह बाबा कार्तिक आर्यन को एक नहीं दो मंजुलिका से मुकाबला करना होगा। 3 मिनट 50 सेकेंड की इस ट्रेलर में हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला है। इसमें कार्तिक के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विन कोलसेकर समेत कई बड़े बड़े और दिग्गज सितारे नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि निर्देशक अनीस बजमी ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म में कई ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। साथ ही ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुला के बीच होने वाली भिड़ंत भी दिखाई गई है। ट्रेलर के आखिर में विद्या बालन और माधुरी एक साथ दिखाई देते हैं, जो कार्तिक आर्यन से बोलती हैं, यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट मिल रही है। एक दर्शक ने ऐसे लिखा, माधुरी और विद्या एक ही फ्रेम में यानी दिवाली में धमाका होना पक्का। दूसरे यूजर ने लिखा, जबरदस्त ट्रेलर है, इस दिवाली सभी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तीसरे यूजर ने लिखा, स्त्री 2 से कई गुना बेहतर लग रहा है। तो बाकी देखना बाकी है दिवाली के दिन कैसा धमाका होगा। तो अनीस बजमी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 दीपावली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन को भी रिलीज करना है, जिसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मूवी का ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर तो बनना तय है। जैसे आपको हमने बताया, भूल भुलैया 3 एक ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बजमी ने किया, जिसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये भूल भुलैया 2007 और भूल भुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में सेट है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफ मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई, कलकत्ता, ओरछा और लेह में हुई, जिसमें मनु आनंद ने छायांकन किया है। भूल भुलैया 3 दिवाली उत्सव के साथ 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रूह बाबा कोलकाता की एक प्रतिबंधित हवेली में प्रवेश करता है और 2 प्रतिशोधी आत्माओं से भिड़े जाता है, जो खुद को मंजुलिका होने का दावा करते हैं। तो अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का। सिंघम अगेन को देखने जाएंगे दर्शक या भूल भुलैया 3 को जाएंगे देखने? देखने वाली बात होगी। कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसके आगे निकलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दिवाली के दिन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये स्पष्ट हो जाएगा पहले दिन किस तरीके से किस और जा रहे हैं दर्शक, कार्तिक आर्यन या रोहित शेट्टी। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। जानू, क्या कह रहे थे आप? मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है। सावित्री, छोड़िए। जो, आई एम कमिंग फॉर यू। दर्शकों को अपने बस में करने के लिए बिल्कुल तैयार है भूल भुलैया 3। ऐसा एक्साइटमेंट आपने सोचा नहीं होगा भूल भुलैया 3 को लेकर।
सारा कुछ अपडेट आप इस वीडियो पर जानेंगे। बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल और कमाल बचाने आ रहा है दिवाली में भूल भुलैया 3, जहां की सिंघम अगेन एक बड़ी मल्टी स्टारर मूवी आ रही है, लेकिन भूल भुलैया 3 को टक्कर देना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं और उनकी ये फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सिंघम 3 से है। अगर दोनों फिल्म के ट्रेलर की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है भूल भुलैया 3 का ट्रेलर बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी से ही मिल गया है कि सिंघम 3 को पछाड़ कर भूल भुलैया 3 बहुत आगे जा चुका है और सिर्फ देखना बाकी है। कुछ दिनों की इंतजार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन एक ही बहुत सारे मल्टी स्टार को पछाड़ कर बहुत आगे निकलने वाले हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं और 13 ही फिल्म उनकी बस रिलीज हुई है। हर साल में सिर्फ एक फिल्म और हर फिल्म धमाकेदार और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो रही है। सारा कुछ अपडेट आप जानिए ये 13 साल में जो 13 फिल्म रिलीज हुई है। कार्तिक आर्यन का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से अपना कैरियर का शुरुआत किया था, जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसी मूवी से पता चल गया था कि उनका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने प्यार का पंचनामा में एक बेहतर रोल अदा किया था, ये खूब चर्चा में थी और सारे फिल्म के क्रिटिक्स यही कह रहे थे कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म प्यार का पंचनामा औसत रही, लेकिन बाद में उसे खूब चर्चा मिली। बहुत लोगों ने इस मूवी को पसंद किया और रिपीटेड बहुत लोगों ने इस मूवी को, खास करके यंगस्टर जो थे, बार बार इस मूवी को देखने लगे। और कलेक्शन की जब बात की जाएगी प्यार की पंचनामा, जो कि कार्तिक आर्यन की पहली मूवी थी, वो पहले दिन में 92 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। याद रखिए 2011 की बात थी, उसका लाइफ टाइम कारोबार 9 करोड़ रुपये था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसने पहले दिन 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जो लाइफ टाइम कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये था। आप सोचिए 2011 में जहां पूरा फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाया था, वहीं जब 2015 में उसका पार्ट 2 आया तो वो एक ही दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए, और अगर हम पूरा लाइफ टाइम उसका देखें 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया उसने कमाया और फिल्म बॉलीवुड पर सुपर हिट साबित हुआ। प्यार का पंचनामा का पार्ट 2 पर अपार सफलता से पहले कार्तिक को 2 फ्लॉप मूवी का मूवी देखना पड़ा था। ये फिल्म था आकाशवाणी और कांची, 2013 और 2014 में 2 फिल्म जो रिलीज हुआ था कार्तिक आर्यन का, वो दोनों फिल्म फ्लॉप हुआ था। फिर भी जो नाम वो प्यार के पंचनामा पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए थे, वही उनको आगे ले जाने के लिए काफी था। बात तो कार्तिक आर्यन ने कमाल ही कर दिया। सोनू के टीटू की स्वीटी से 100 करोड़ के क्लॉप में शामिल हो गए कार्तिक आर्यन। 2017 में रिलीज हुई कार्तिक की सुपर हिट फिल्म गेस्ट इन लंदन आई, लेकिन जैसे सोचा गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी और सुपर हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर रहेगी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन 2018 में कार्तिक दर्शकों के बीच एक बार फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री की। फिल्म का नाम था, आपको बताया गया, सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा नजर आई। इसकी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में सनी सिंह भी थे, जो कार्तिक के दोस्त होते हैं। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया।
ये कार्तिक के कैरियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म साबित हुई। इसका लाइफ टाइम कारोबार 108 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का था और फिल्म सुपर हिट हुई। आपने देखा कि तीन फिल्म जो कि लगातार कार्तिक आर्यन ने दी, प्यार का पंचनामा पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर आई 100 करोड़ की बजट में शामिल होने वाली मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी, उससे उनका नाम और आगे बढ़ गया। फिर कार्तिक आर्यन का एक और एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ, जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लुका छुपी, जिसमें एक सेंसिटिव मैटर को उठाया गया था एक दिलचस्प अंदाज में। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया गया जिसे दर्शकों ने पसंद किया और इसका लाइफ टाइम अगर हम कारोबार की बात करें तो टोटल कमाई 94 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा था। और यहीं पर नहीं थमे कार्तिक आर्यन, फिर एक बड़ी मूवी के तरफ उन्होंने पैर दिया और ये मूवी थी पति पत्नी और ओ। इस फिल्म ने 2019 में रिलीज हुई, इस फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। फिल्म के नाम से ही साफ है कि इसकी कहानी में पति पत्नी और ओ का झोल दिखाया गया है, जिसमें कई मज़ेदार कॉमेडी सीन भी थे। ये भी हिट रही, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 86 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए रही। इसके बाद फिर एक बड़ी मूवी आई साल 2020 में, लव आजकल। हिट की हैट्रिक लगाने के बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन को एक बार फिर फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा। इस साल उनकी फिल्म लव आजकल सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक और सारा अली खान की जोड़ी दिखी थी। फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा कमाई 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया, लेकिन शानदार ओपनिंग के बाद भी फिल्म ने लगातार कमाई में बहुत पीछे रही और उसका लाइफ टाइम अगर हम कमाई देखें तो सिर्फ 34 करोड़ रुपये ही कलेक्शन किए, जिस वजह से फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर भी यहीं पर कार्तिक आर्यन नहीं रुके, वो आई रूह बाबा बनकर छा गए कार्तिक। साल 2022 में आई कार्तिक आर्यन के लिए किस्मत पलटने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में फिल्म भूल भुलैया आई और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता का इतिहास रच दिया। कोविड काल के बाद सिनेमाघर में जब फिल्म आई तो दर्शकों टूट कर पड़ गए। इस चर्चित फ्रेंचाइजी की पहली किस्त में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। कार्तिक आर्यन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कार्तिक को भरपूर प्यार मिला। पहले दिन फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 185 करोड़ रुपए रहा। तो ये दूसरी मूवी बनी कार्तिक आर्यन की 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो जब से रूह बाबा बने कार्तिक आर्यन और कार्तिक आर्यन जब इस भूलभुलैया के फ्रेंचाइजी में एंट्री की, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया, तो वहीं पर छा गए दर्शकों के बीच और धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर कार्तिक आर्यन ने संभाला निर्माता की कुर्सी। 2023 में कार्तिक आर्यन फिल्म शहजादा को लेकर आए। इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ वो निर्माता की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कार्तिक आर्यन 2023 में दूसरी फिल्म रही सत्यप्रेम की कथा, जो औसत रही। उसमें 77.55 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो क्या होगा अब साल 2024? इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाया है। कार्तिक के अभिनय और किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरीकों के बाद भी दर्शक फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। अब सारी उम्मीदें भूलभुलैया 3 से बंधी है। साल 2024 में जो पहला मूवी कार्तिक आर्यन लेकर आए, वो दर्शकों को अपने तरफ खींचने पर कामयाबी नहीं हासिल गई। अब सारी उम्मीद कार्तिक आर्यन की साल 2024 को लेकर है, भूलभुलैया 3 को,
जो कि ट्रेलर से भी उनको जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है और जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है, और उसके पहले कलेक्शन को देखा जाए तो कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बिल्कुल बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो देखना होगा दिवाली पर ये फिल्म क्या धमाका करती है, और मल्टी स्टारर सबसे बड़ी मूवी जो कि सिंघम सीरीज की मूवी है उसको टक्कर देने वाली है। देखने की बात है वो किस और मूवी जा रही है, ट्रेलर में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है इस मूवी में दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसी साल चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर लेंगे रूह बाबा, देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर ले रहे हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन। आज से ठीक 2 साल पहले अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया का हिस्सा बने थे, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। सिनेमाघरों में भूल भुलैया 2 को दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का खुराक जुगाया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। अब एक्टर भूल भुलैया 3 को लेकर आ रहे हैं दिवाली को, बिल्कुल दर्शक इसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। इस बीच निर्देशक अनीस बजमी ने इस मूवी का एक लेटेस्ट पोस्टर भी सामने लाया है, रूह बाबा वर्सेस मंजुलिका। भूल भुलैया 3 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के फास्ट लुक पोस्टर सिनेमाघर की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस बीच भूल भुलैया 3 की एक और लेटेस्ट पोस्टर ने इस काम को दोगुना कर दिया है। दिवाली के पावन पर्व पर फैंस को सिनेमाघर में भूल भुलैया 3 को देखने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेगी। कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। इस मूवी की ट्रेलर में वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को हिट बनाते हैं। इस फिल्म का थिएटर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना कार्तिक के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 में एंट्री बहुत धमाकेदार रही थी। पहली भूल भुलैया फिल्म में हीरो अक्षय कुमार की जगह दूसरी फिल्म में आए कार्तिक पर काफी तगड़ा प्रेशर था, मगर लॉकडाउन के जस्ट बात वाले समय में कार्तिक ने उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी डिलीवर की थी। भूल भुलैया 2 के सुपर हिट होते ही जनता की नजरें इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर टिक गई थी। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन के मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जब रिलीज कर दिया गया तो इस बार फिल्म में रूह बाबा कार्तिक आर्यन को एक नहीं 2 मंजुलिका से मुकाबला करना होगा। 3 मिनट 50 सेकेंड की इस ट्रेलर में हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला है। इसमें कार्तिक के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विन कोलसेकर समेत कई बड़े बड़े और दिग्गज सितारे नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि निर्देशक अनीस बजमी ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म में कई ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। साथ ही ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुला के बीच होने वाली भिड़ंत भी दिखाई गई है। ट्रेलर के आखिर में विद्या बालन और माधुरी एक साथ दिखाई देते हैं जो कार्तिक आर्यन से बोलती हैं, यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट मिल रही है। एक दर्शक ने ऐसे लिखा, माधुरी और विद्या एक ही फ्रेम में यानी दिवाली में धमाका होना पक्का। दूसरे यूजर ने लिखा, जबरदस्त ट्रेलर है, इस दिवाली सभी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तीसरे यूजर ने लिखा, स्त्री 2 से कई गुना बेहतर लग रहा है। तो बाकी देखना बाकी है दिवाली के दिन कैसा धमाका होगा।
तो अनीस बजमी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 दीपावली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन को भी रिलीज करना है, जिसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मूवी का ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर तो बनना तय है। जैसे आपको हमने बताया, भूल भुलैया 3 एक ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बजमी ने किया है, जिसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये भूल भुलैया 2007 और भूल भुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में सेट है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2026 तक मुंबई, कलकत्ता, ओरछा और लेह में हुई, जिसमें मनु आनंद ने छायांकन किया है। भूल भुलैया 3 दिवाली उत्सव के साथ 1 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रू बाबा कोलकाता की एक प्रतिबंधित हवेली में प्रवेश करता है और दो प्रतिशोधी आत्माओं से भिड़े जाता है, जो खुद को मंजुलिका होने का दावा करते हैं। तो अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का। सिंघम अगेन को देखने जाएंगे दर्शक या भूल भुलैया 3 को जाएंगे देखने? देखने वाली बात होगी। कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसके आगे निकलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दिवाली के दिन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये स्पष्ट हो जाएगा पहले दिन किस तरीके से किस और जा रहे हैं दर्शक, कार्तिक आर्यन या रोहित शेट्टी। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? मैं महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। जानू, क्या कह रहे थे आप? मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है? सावित्री, छोड़िए। जो, आई एम कमिंग फॉर यू। दर्शकों को अपने बस में करने के लिए बिल्कुल तैयार है भूल भुलैया 3। ऐसा एक्साइटमेंट आपने सोचा नहीं होगा भूल भुलैया 3 को लेकर। सारा कुछ अपडेट आप इस वीडियो पर जानेंगे। बॉक्स ऑफिस पर पूरा धमाल और कमाल बचाने आ रहा है दिवाली में भूल भुलैया 3, जहां की सिंघम अगेन एक बड़ी मल्टी स्टारर मूवी आ रही है, लेकिन भूल भुलैया 3 को टक्कर देना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं और उनकी ये फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सिंघम 3 से है। अगर दोनों फिल्म के ट्रेलर की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है भूल भुलैया 3 का ट्रेलर बहुत आगे निकल चुका है। फिल्म का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी से ही मिल गया है कि सिंघम 3 को पछाड़कर भूल भुलैया 3 बहुत आगे जा चुका है और सिर्फ देखना बाकी है। कुछ दिनों की इंतजार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन एक ही बहुत सारे मल्टी स्टार को पछाड़कर बहुत आगे निकलने वाले हैं। कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं और 13 ही फिल्म उनकी बस रिलीज हुई है। हर साल में सिर्फ एक फिल्म और हर फिल्म धमाकेदार
और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो रही है। सारा कुछ अपडेट आप जानिए ये 13 साल में जो 13 फिल्म रिलीज हुई है। कार्तिक आर्यन का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म प्यार का पंचनामा से अपना कैरियर का शुरुआत किया था जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। इसी मूवी से पता चल गया था कि उनका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने प्यार का पंचनामा में एक बेहतर रोल अदा किया था ये खूब चर्चा में थी और सारे फिल्म के क्रिटिक्स यही कह रहे थे कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन का पहला फिल्म प्यार का पंचनामा औसत रही लेकिन बाद में उसे खूब चर्चा मिली। बहुत लोगों ने इस मूवी को पसंद किया और रिपीटेड बहुत लोगों ने इस मूवी को खास करके यंगस्टर जो थे बार बार इस मूवी को देखने लगे। और कलेक्शन की जब बात की जाएगी प्यार की पंचनामा जो कि कार्तिक आर्यन की पहली मूवी थी वो पहले दिन में 92 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। याद रखिए 2011 की बात थी। उसका लाइफ टाइम कारोबार 9 करोड़ रुपए था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था जिसने पहले दिन 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे जो लाइफ टाइम कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये था। आप सोचिए 2011 में जहां पूरा फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाया था वहीं जब 2015 में उसका पार्ट 2 आया तो वो एक ही दिन में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपये और अगर हम पूरा लाइफ टाइम उसका देखें 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया उसने कमाया और फिल्म बॉलीवुड पर सुपर हिट साबित हुआ। प्यार का पंचनामा का पार्ट 2 पर अपार सफलता से पहले कार्तिक को 2 फ्लॉप मूवी का मूवी देखना पड़ा था। ये फिल्म था आकाशवाणी और कांची। 2013 और 2014 में 2 फिल्म जो रिलीज हुआ था कार्तिक आर्यन का वो दोनों फिल्म फ्लॉप हुआ था। फिर भी जो नाम वो प्यार के पंचनामा पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए थे वही उनको आगे ले जाने के लिए काफी था। बात तो कार्तिक आर्यन ने कमाल ही कर दिया। सोनू के टीटू की स्वीटी से 100 करोड़ के क्लॉप में शामिल हो गए कार्तिक आर्यन। 2017 में रिलीज हुई कार्तिक की सुपर हिट फिल्म गेस्ट इन लंदन आई लेकिन जैसे सोचा गया था कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी और सुपर हिट रहेगी ब्लॉकबस्टर रहेगी लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन 2018 में कार्तिक दर्शकों के बीच एक बार फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री की। फिल्म का नाम था आपको बताया गया सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा नजर आई। इसकी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में सनी सिंह भी थे जो कार्तिक के दोस्त होते हैं। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। ये कार्तिक के कैरियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म साबित हुई। इसका लाइफ टाइम कारोबार 108 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का था और फिल्म सुपर हिट हुई। आपने देखा कि 3 फिल्म जो कि लगातार कार्तिक आर्यन ने दी प्यार का पंचनामा पार्ट 1 पार्ट 2 और फिर आई 100 करोड़ की बजट में शामिल होने वाली मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी उससे उनका नाम और आगे बढ़ गया। फिर कार्तिक आर्यन का एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ जो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी लुका छुपी जिसमें एक सेंसिटिव मैटर को उठाया गया था एक दिलचस्प अंदाज में। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया गया जिसे दर्शकों ने पसंद किया और इसका लाइफ टाइम अगर हम कारोबार की बात करें तो टोटल कमाई 94 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा था। और यहीं पर नहीं थमे कार्तिक आर्यन। फिर एक बड़ी मूवी के तरफ उन्होंने पैर दिया और ये मूवी थी पति पत्नी और ओ। इस फिल्म ने 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले दिन 9.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। फिल्म के नाम से ही साफ है कि इसकी कहानी में पति पत्नी और ओ का झोल दिखाया गया है जिसमें कई मज़ेदार कॉमेडी सीन भी थे। ये भी हिट रही। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 86 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए रही। इसके बाद फिर एक बड़ी मूवी आई
साल 2020 में लव आजकल हिट की हैट्रिक लगाने के बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन को एक बार फिर फ्लॉप का मुंह देखना पड़ा। इस साल उनकी फिल्म लव आजकल सिनेमाघर में तो रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक और सारा अली खान की जोड़ी दिखी थी। फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा कमाई 12 करोड़ रुपए से ज्यादा किया, लेकिन शानदार ओपनिंग के बाद भी फिल्म ने लगातार कमाई में बहुत पीछे रही और उसका लाइफ टाइम अगर हम कमाई देखें तो सिर्फ 34 करोड़ रुपए ही कलेक्शन किए, जिस वजह से फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर भी यहीं पर कार्तिक आर्यन नहीं रुके, वो आई रूह बाबा बनकर छा गए कार्तिक। साल 2022 में आई कार्तिक आर्यन के लिए किस्मत पलटने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में फिल्म भूल भुलैया आई और बॉक्स ऑफिस पर इसने सफलता का इतिहास रच दिया। कोविड काल के बाद सिनेमाघर में जब फिल्म आई तो दर्शकों टूट कर पड़ गए। इस चर्चित फ्रेंचाइजी की पहली किस्त में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। कार्तिक आर्यन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कार्तिक को भरपूर प्यार मिला। पहले दिन फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 185 करोड़ रुपए रहा। तो ये दूसरी मूवी बनी कार्तिक आर्यन की 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो जब से रूह बाबा बने कार्तिक आर्यन और कार्तिक आर्यन जब इस भूलभुलैया के फ्रेंचाइजी में एंट्री की, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया, तो वहीं पर छा गए दर्शकों के बीच और धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर कार्तिक आर्यन ने संभाला निर्माता की कुर्सी। 2023 में कार्तिक आर्यन फिल्म सहजादा को लेकर आए। इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ वो निर्माता की कुर्सी पर भी काबिज हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कार्तिक आर्यन 2023 में दूसरी फिल्म रही सत्यप्रेम की कथा, जो औसत रही। उसमें 77.55 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। तो क्या होगा अब साल 2024? इस साल कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाया है। कार्तिक के अभिनय और किरदार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरीकों के बाद भी दर्शक फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे। अब सारी उम्मीदें भूल भुलैया 3 से बंधी है। साल 2024 में जो पहला मूवी कार्तिक आर्यन लेकर आए, वो दर्शकों को अपने तरफ खींचने पर कामयाबी नहीं हासिल गई। अब सारी उम्मीद कार्तिक आर्यन की साल 2024 को लेकर है, भूल भुलैया 3 को, जो कि ट्रेलर से भी उनको जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है और जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है और उसके पहले कलेक्शन को देखा जाए तो कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बिल्कुल बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो देखना होगा दिवाली पर ये फिल्म क्या धमाका करती है और मल्टी स्टारर सबसे बड़ी मूवी जो कि सिंघम सीरीज की मूवी है उसको टक्कर देने वाली है। देखने की बात है वो किस और मूवी जा रही है। ट्रेलर में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है इस मूवी में दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। इसी साल चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर लेंगे रूह बाबा, देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुड़ैल मंजुलिका से टक्कर ले रहे हैं रूह बाबा कार्तिक आर्यन। से ठीक 2 साल पहले अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया का हिस्सा बने थे, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। सिनेमाघरों में भूल भुलैया 2 को दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का खुराक जुगाया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। अब एक्टर भूल भुलैया 3 को लेकर आ रहे हैं दिवाली को। बिल्कुल दर्शक इसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे पता चल जाएगा।
इस बीच निर्देशक अनीस बज्मी ने इस मूवी का एक लेटेस्ट पोस्टर भी सामने लाया है, रूबाबा वर्सेस मंजुलिका। भूलभुलैया 3 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के फास्ट लुक पोस्टर सिनेमाधर्म की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस बीच भूलभुलैया 3 की एक और लेटेस्ट पोस्टर ने इस काम को दोगुना कर दिया है। दिवाली के पावन पर्व पर फैंस को सिनेमाघर में भूलभुलैया 3 को देखने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेगी। कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। इस मूवी की ट्रेलर में वो सारे मसाले नजर आ रहे हैं जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को हिट बनाते हैं। इस फिल्म का थिएटर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना कार्तिक के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 में एंट्री बहुत धमाकेदार रही थी। पहली भूलभुलैया फिल्म में हीरो अक्षय कुमार की जगह दूसरी फिल्म में आए कार्तिक पर काफी तगड़ा प्रेशर था, मगर लॉकडाउन के जस्ट बात वाले समय में कार्तिक ने उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी डिलीवर की थी। भूलभुलैया 2 के सुपर हिट होते ही जनता की नजरें इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर टिक गई थी। बॉलीवुड के यंगस्टर कार्तिक आर्यन के मोस्ट अवेटेड फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जब रिलीज कर दिया गया तो इस बार फिल्म में रूह बाबा कार्तिक आर्यन को एक नहीं 2 मंजुलिका से मुकाबला करना होगा। 3 मिनट 50 सेकेंड की इस ट्रेलर में हॉरर कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला है। इसमें कार्तिक के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा, अश्विन कोलसेकर समेत कई बड़े बड़े और दिग्गज सितारे नजर आएंगे। भूलभुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि निर्देशक अनीस बज्मी ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म में कई ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। साथ ही ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुला के बीच होने वाली भिड़ंत भी दिखाई गई है। ट्रेलर के आखिर में विद्या बालन और माधुरी एक साथ दिखाई देते हैं जो कार्तिक आर्यन से बोलती हैं, यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट मिल रही है। एक दर्शक ने ऐसे लिखा, माधुरी और विद्या एक ही फ्रेम में यानी दिवाली में धमाका होना पक्का। दूसरे यूजर ने लिखा, जबरदस्त ट्रेलर है, इस दिवाली सभी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तीसरे यूजर ने लिखा, स्त्री 2 से कई गुना बेहतर लग रहा है, तो बाकी देखना बाकी है दिवाली के दिन कैसा धमाका होगा। तो अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित भूलभुलैया 3 दीपावली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन को भी रिलीज करना है, जिसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। मूवी का ट्रेलर सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर तो बनना तय है। जैसे आपको हमने बताया, भूलभुलैया 3 एक ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बज्मी ने किया, जिसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। ये भूलभुलैया 2007 और भूलभुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और डिमरी मुख्य भूमिका में हैं और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में सेट है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई, कलकत्ता, ओरछा और लेह में हुई, जिसमें
में मनु आनंद ने छायांकन किया है। भूलभुलैया 3 दिवाली उत्सव के साथ 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रू बाबा कोलकाता की एक प्रतिबंधित हवेली में प्रवेश करता है और 2 प्रतिशोधी आत्माओं से भिड़े जाता है जो खुद को मंजुलिका होने का दावा करते हैं। तो अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का। सिंघम अगेन को देखने जाएंगे दर्शक या भूलभुलैया 3 को जाएंगे देखने? देखने वाली बात होगी। कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसके आगे निकलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा दिवाली के दिन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये स्पष्ट हो जाएगा पहले दिन किस तरीके से किस ओर जा रहे हैं दर्शक, कार्तिक आर्यन या रोहित शेट्टी।